इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन। हॉस्टल फीस में की गई बढ़ोतरी के विरोध में दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि अन्य के मुकाबले दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में ज्यादा फीस बढ़ाई गई है। कॉलेज कैंपस से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हॉस्टल से आने जाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है। इसके अलावा हॉस्टल में समुचित पानी की व्यवस्था नहीं है। हॉस्टल कैंपस के अंदर झाड़ी और गंदगी है, जिससे जहरीले कीड़े निकलते हैं। इस वजह से विद्यार्थी डर के माहौल में रहते हैं। हॉस्टल कैंपस के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। प्राथमिक उपचार के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। कॉलेज में कल्चर फेस्ट गायनकी नहीं होती। इसके लिए फंड नहीं है। जो फंड आता है उसका कहाँ उपयोग होता है? कॉलेज द्वारा इसका कोई डाटा नहीं दिया जाता। इन सभी मांगों को लेकर फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र प्रियांशु कुमार ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। बाद में मब्बी ओपी थाना अध्यक्ष व दंगा नियंत्रण बल ने छात्रों को समझा बुझा कर शांत कराया। उन्हें कहा गया कि प्राचार्य के आने के बाद आपकी मांगे पूरी की जाएगी। सर, हम लोगों का फी पहले 6,000 था, अभी 7,500 कर दिया गया है। 7,500 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कभी हॉस्टल विजिट कीजिए, अगर हॉस्टल में पोछा लगता है तो वहाँ पे इतना गंदा स्मेल, मछली मार्केट के जैसा स्मेल करता है। उस बात का हम क्यों फिर से फी बढ़ाएं? 6,000 भी ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं। जैसा सिस्टम है, एक रोड तक सही नहीं है। हॉस्टल में सांप, 3 सांप निकला है एक दिन में। गर्ल्स हॉस्टल में सेकेंड फ्लोर पे सांप निकलता है, बॉयज हॉस्टल का तो बात ही छोड़िए, वहाँ पे तो बहुत पूरे में कितना फीस था, ये बढ़ोतरी होकर ये कितना हो जाएगा? 6,000 पहले था, अभी 7,500 कर दिया गया है। और कोई मतलब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग और किस तरह का मांग आप लोग का? हम लोग का डिमांड है अभी कि 6,000 का फी 6,000 ही रहे और थोड़ा हॉस्टल को मॉडिफाई किया जाए। शीशा वगैरह टूटा हुआ है वो सब लगवाया जाए। हर चीज पोछा लगता है तो फिनाइल वगैरह डाले, ये लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। बातें निकल के आ रही है कि वाईफाई भी अभी तक इस कॉलेज में नहीं लगाया गया है। वाईफाई का स्पीड आप लोग खुद जाके चेक कर सकते हैं, अगर 10 लोग वहाँ पे हो एक साथ कनेक्ट कर ले तो कनेक्टेड बट नो इंटरनेट दिखा। सफाई के नाम पर भी कुछ इस कॉलेज में नहीं है। सफाई तो आप लोग देख ही रहे सकते हैं। क्या नाम है? इसी कॉलेज के छात्र हैं? हाँ, महाविद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो धरना पे बैठे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा कॉलेज का जो प्रशासन है पूरा तरीका से निकम्मा हो चुका है। बिना मतलब और बिना किसी मीटिंग के 1500 रुपया हॉस्टल में फीस बढ़ा दिया गया है और मेंटेनेंस के नाम पे हॉस्टल में कुछ नहीं है। हॉस्टल की व्यवस्था जो है वो पूरी जर्जर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद है। इनफैक्ट हॉस्टल में जगह जगह जहरीला सांप निकल जाता है। आप कॉलेज में आए होंगे तो देखे होंगे कि कॉलेज का जो रास्ता है वो भी पूरा बर्बाद है। प्रिंसिपल जो है वो खुद कॉलेज में नहीं रहते और खुद निकम्मे तरीके से कहीं दूसरे कॉलेज का भी उनको प्रभार है तो वो कॉलेज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और भी कई मुद्दा है कॉलेज में, कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। 2 साल से छात्र जो है वो किसी तरह कॉलेज में आते हैं निरस्त तरीके से, भविष्य बर्बाद हो रहा है, हर कुछ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोगों ने बहुत बार प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे तंग आके विद्यार्थियों ने आज जो है कॉलेज को बंद किया है और धरना दिया है। और ये आप लोग जितने भी मीडिया वाले हैं इन चीज़ों को बहुत तरीके से आगे शेयर करें और आपको ऑन कैमरा दिखा दें कि ये कॉलेज में सांप है, कॉलेज के कैंपस में सांप निकलता है। हम लोग वन विभाग तक को इसके लिए ज्ञापन दिया लेकिन कुछ एक्शन नहीं होता है। जो फीस छात्रावास जो शुल्क बढ़ाने की जो बात है, तो एक छात्रावास कमेटी है, वो छात्रावास कमेटी जो हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आपको ये स्पष्ट कर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्रावास इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है वो कभी भी गवर्नमेंट फंडेड नहीं होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमको बिल्डिंग बना के दे देती है और वो कहती है कि इसका संचालन आप बच्चों के पैसे से करिए। ऐसा नहीं, और कोई निर्धारण सरकार का कोई ऐसा शुल्क निर्धारण नहीं है कि आप 5,000-2,000 रुपये आप लेंगे उससे। तो अपना अपना हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से उसको कलेक्ट करता है और उसी पैसे से क्या करता है, उसका संचालन करता है। छात्रों की भी यही मांग है कि जब आप पैसे बढ़ा रहे हैं सुविधा भी बढ़ाया जाए। वही कह रहा है, जैसे जो सिस्टम रहा है वहाँ कार्य करने का, क्योंकि पैसा हमेशा कम रहा है इसका, हम लोग इसका आकलन कमेटी ने किया कि जो पैसा लिया जा रहा है बच्चों से, क्योंकि ऑक्युपेंसी कम है, बच्चे जैसे 3 हॉस्टल हमारा संचालित हो रहा है, 450 सीट है। अब 450 में 300 या 300 प्लस बच्चे रहे, तो एक तो आपका इंटेक भी कम है और उससे जो आप 6,000 रुपये ले रहे हैं, तो बहुत सारा जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का कार्य है, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्पज से कार्य हो या क्लिनिक का कोई भी कार्य हो, वो कार्य सुचारू रूप से उस पैसे में चला पाना कॉलेज प्रशासन के बस की नहीं थी। इसलिए कमेटी ने डिसीजन लिया
कि इसको इस पैसे को बढ़ा के थोड़ा 250 बढ़ा के। बात यहाँ यह है कि कई रूम में खिड़कियां का सीधा टूटा हुआ है, सांप घुस जाती है, इतनी रिस्की हॉस्टल में। इसके बारे में भवन निर्माण चुकी बिल्डिंग जो देखिए, ये बात जान लीजिए आप, कॉलेज में जो बिल्डिंग भवन बनता है उसकी सारी जवाबदेही जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग की होती है। तो भवन निर्माण विभाग को ये सूचना दी गई है और हमारे प्रतिपालक यानी वार्डन के द्वारा कहा गया है कि उनसे बात की है, वो आके यहाँ रिपेयरिंग जो भी दूर वगैरह है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।